नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ग्रिड मेथड के थ्रू हम कैसे एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास जो इमेज है वो छोटी है और उसको आपको बड़े पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, बड़े साइज़ के पेपर के ऊपर, तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मेरे पास एक छोटी इमेज है और सबसे पहले इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर की लेंथ पर पॉइंट को ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब 1 सेंटीमीटर के ऊपर मार्किंग लगा रहा हूँ और उसके बाद उसको नंबर्स दे दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 करके। तो ऐसे ही लेंथ और हाइट दोनों डायरेक्शन में करना है और चारों तरफ करना है। ये नहीं कि दो साइड ही किया आपने, क्योंकि फिर उसमें स्ट्रेट लाइंस नहीं खींच पाती और अगर कोई भी लाइन इसमें टेढ़ी हो गई तो फिर दिक्कत हो जाती है सारे मेजरमेंट्स को लेने में। तो देखिए, जैसे मैंने ऊपर वाली लाइन में लिया उसी तरह से मैं नीचे भी लाइन में ले रहा हूँ। नेम आप चेंज कर सकते हैं, ABCD कर सकते हैं, ताकि सिमिलैरिटी ना रहने से फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो डिससिमिलर रखें सब तरफ। अब इसी तरह से हाइट पे भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपने पॉइंट ऑप्ट कर लिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर पे ही करें, बट इट ईजियर कि 1 सेंटीमीटर पे आपने ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से आप 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और इस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा करना है अपने पोर्ट्रेट को। अब इसी तरह से मैं जो बचा हुआ एक साइड था उस पर भी ले लेता हूँ और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपको कितना बड़ा करना है, जो रियल इमेज है उससे कितना बड़ा करना है। काफ़ी लोग मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे कि अगर आपके पास बहुत छोटी इमेज है या फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ है उससे आपको कोई बड़ा बनाना है A4 पे या A3 पे तो कैसे बनाएं। तो वहाँ पे फ्रेंड्स हम ग्रिड मेथड को यूज़ करते हैं या फिर हम प्रोपोर्शनल डिवाइडर को यूज़ करते हैं। हालांकि मैं तो पेंसिल मेजरमेंट भी यूज़ कर लेता हूँ, उसी अकॉर्डिंगली उसको मल्टीप्लाई करता जाता हूँ उसके डिमेंशंस को, लेकिन वो थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्ट पड़ रहा है आपको तो ये मेथड आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा, ग्रिड मेथड। हालाँकि थोड़ी सी मैथमेटिक्स होती है इसमें, लेकिन आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप बस इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब मैं देख रहे हैं आप फ्रेंड्स कि मैं वर्टिकल डायरेक्शंस में लाइन खींच ले रहा हूँ पॉइंट्स को मिलाते हुए, और उसी तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइंस में भी लाइन को ड्रॉ कर लूँगा। एक वीडियो इस पर मैंने बहुत पहले एक बनाया था रणवीर कपूर का, बट उसके बाद काफ़ी सब्सक्राइबर काफ़ी फ्रेंड्स मेरे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एक दो वीडियो और उस पर ही बनाइए, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक और वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो मैंने अभी फ़िलहाल अपनी रियल इमेज जो थी मेरी उस पर मैंने एक तरह से कहा जाए तो ग्रिड्स को खींच लिया है, ग्राफ को खींच लिया है। इसको कुछ लोग ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, कुछ लोग ग्रिड मेथड भी बोलते हैं। अब इसी तरह से फ्रेंड्स जो मेरा पेपर है जहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है, अब वहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के अगर स्क्वायर बनाए हैं तो यहाँ पर मैं अब इसको 2 सेंटीमीटर पर प्लॉट करूँगा। तो आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक जो ब्लॉक की लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई दोनों, और यहाँ पे जो अब मेरा एक ब्लॉक है वो 2 सेंटीमीटर का होगा, तो मैं उसको डबल कर रहा हूँ। आप उसको 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, 2.5 टाइम्स भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हैं, कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। तो ये मेथड फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है ट्रेडिशनल आर्ट में भी, जब हम प्रोपोर्शंस को मिलाते थे या खासकर म्यूरल्स वगैरह जब ड्रॉ करने होते हैं, वॉल पे कोई पेंटिंग करनी होती है लाइफ साइज की, तो वहाँ पे भी इसी मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर और कोई मेथड इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, या तो फिर आपके पास प्रोपोर्शनल डिवाइडर होना चाहिए, उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं उसी तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और उस पर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के ऊपर पॉइंट लेता गया, बनाता गया, आगे पॉइंट मार्क कर ली सारे मैंने। इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में भी और चारों डायरेक्शन में इसी तरह से करने के बाद मैं इन सबको मिला दूंगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसके यूज़ टू हो सकते हैं तो ये बहुत अच्छा मेथड है, बट अगर यूज़ टू होने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती है, लेकिन लर्निंग के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी मेथड ख़राब है, सारे ही मेथड बहुत अच्छे होते हैं जो भी आप अप्रोच करें, हाँ बस आप चीट ना करें, बाकी सब तरीके बहुत सही हैं। चाहे आप ग्रिड मेथड यूज़ करें या प्रोपोर्शनल डिवाइडर यूज़ करें या फिर पेंसिल मेजरमेंट को यूज़ करके करें या फिर ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ करें खाली, मतलब बिना किसी मेजरमेंट को लिए, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करता है,
आपके आर्ट वर्क को सूट करता है। तो कोई भी मेथड ऐसा नहीं कर सकता कि ये मेथड गलत है या ये मेथड नहीं अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत सालों से आर्टिस्ट इसको यूज़ करते आ रहे हैं, आर्ट कॉलेजेस में इसी को पढ़ाया भी जाता है। तो इस सब में, इस मेथड में ऐसी कोई भी बुराई नहीं है कि आप कहें कि ये मेथड सही नहीं है या वो मेथड सही नहीं है। तो यहाँ इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं सारे पॉइंट्स को मिला दे रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर की लेंथ के जो मैंने पॉइंट खींचे थे उन सभी पॉइंट्स को मैं मिला दे रहा हूँ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से। तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी होगी अगर आपको ग्रिड मेथड से ड्रॉ करना है तो कुछ। हालांकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है शुरुआत में, आपको इसमें आधा घंटा एक घंटा लग सकता है, बट एक बार जब यूज़ टू हो जाते हैं इसी मेथड के तो फिर जल्दी जल्दी ये भी आप कर पाते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स यही सजेस्ट करूँगा, आप हर मेथड को यूज़ करके ड्रॉ करना सीखिए जहाँ तक ड्राइंग की बात है। अब यहाँ पे भी मैं फ्रेंड्स उसी तरीके से मार्किंग कर ले रहा हूँ, जो मार्किंग मेरी रियल इमेज में थी, जो मैंने नंबर्स दिए थे, न्यूमेरिक्स दिए थे या अल्फ़ा न्यूमेरिक्स दिए थे, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर वही नंबर एग्जैक्ट रख लेता हूँ ताकि मुझे मैच करने में ईजी हो। अब इसके बाद फ्रेंड काम आसान हो जाता है। अब इसके बाद खाली आपको देखना है कि कौन से खाने में कहाँ पे क्या आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको ड्रॉ करते जाना है, लाइंस ड्रॉ करते जाने हैं। ये वीडियो थोड़ा सा टाइम लैप्स ज़रूर किया है मैंने, क्योंकि पूरा वीडियो एक काफ़ी लंबा लेंथ हो जाता, बट इतना है कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं सबसे पहले जो राइट आईब्रो है वो कहाँ पे है उसको देख रहा कोशिश कर रहा हूँ अपने पेपर के ऊपर, और वहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और जो हेयर्स का टॉप है, सबसे अच्छा तरीका ये होता है फ्रेंड्स कि आप हमेशा, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो जो इमेज का लेफ़्ट कॉर्नर है, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर, वहाँ से शुरुआत कीजिए किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना। तो उससे दो फ़ायदे होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, एक तो आपका हाथ जो है नीचे जहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे होते हैं वो खिंचता है, तो उससे कुछ ऐसा नहीं होता कि पेपर को हार्म हो या फिर आपकी आउटलाइंस जो आपने पहले ड्रॉ की थी वो मिट जाएँ। तो इसलिए हमेशा अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से शुरुआत कीजिए, और आपको सब कुछ एक पेपर पे बराबर दिखता रह चलता है कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपके लाइंस हिडन हो, आपके हाथ के नीचे छुप जाएं, इसलिए ही ये बहुत सही तरीका है। मैंने इसी तरीके से एक आई को ड्रॉ भी कर लिया है, और बहुत तसल्ली से करना है फ्रेंड्स आपको ये काम, क्योंकि यही आपका रिजल्ट्स भी बनेंगे बाद में जाके। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप बाद में कुछ वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप शुरू में तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक वेग कुछ लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, पहले बहुत ज़्यादा मेहनत मत कीजिए कि प्रोपोर्शंस बिल्कुल परफेक्ट हों, बट अगर आप कर सकते हैं तो वो भी आप टाइम लेके कर लीजिए, वो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। अब यहाँ देखिए मैं अदर आई को भी इसी तरीके से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। अभी मुझे फ्रेंड्स ये क्लियर नहीं है कि ये वैल्यूज़ जो हैं, प्रोपोर्शन जो हैं फेस के, वो सही हैं या नहीं, लेकिन मैं आगे चल के इसको देखूँगा कि ये कितने मेरे लिए प्रोपोर्शन सही जा रहे हैं फेस के, और नहीं तो फिर उसको मैं अकॉर्डिंगली चेंज भी करूँगा। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बोलूँगा कि इसका मज़ा भी यही है कि आप जब हिट एंड ट्रायल मेथड इसको यूज़ करते हैं और अपने रिजल्ट्स पे पहुँचते हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल रटे रटाए सिद्धांत से चलेंगे तो आर्ट का जो फ़न है, जो मज़ा है, वो सब ख़त्म हो जाता है, और बिल्कुल जस्ट एज कॉपी पेस्ट या एक जेरोक्स मशीन के तरीके से आप काम कर रहे होते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल
वेग वैल्यूज़ को लेके चलें, मतलब अप्रोक्सीमेशन में चलें, बाद में उस वैल्यूज़ को जब आप फिनिशिंग करते हुए आगे बढ़ें अपने पोर्ट्रेट पे, तो उसको ठीक करते जाएं हर प्रोपोर्शन को, उसमें ज़्यादा मज़ा है और वो ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। तो फ्रेंड्स, पहला ये सेक्शन था जो इसका, इसके आगे अगले एपिसोड्स में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको फिनिश कैसे करना है। ये तो केवल आउटलाइंस के लिए था, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं आउटलाइंस को ड्रॉ करने के तरीके बताइए अलग अलग, तो इसलिए मैं बनाया ये वीडियो। इसके नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा शेड्स वगैरह करने के बारे में। और अब देखिए, मैं यहाँ पे इरेज़र को यूज़ करके अंदर की लाइन को मिटा दे रहा हूँ। आप भी हल्का ड्रॉ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ तो मैंने दिखाने के लिए आपको डार्क ड्रॉ किया था। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, आपने ये वीडियो देखा, इसका नेक्स्ट एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने नहीं किया अभी तक फ्रेंड्स। तो थैंक यू वंस अगेन।